हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, आसान सा डिज़ाइन पैटर्न। इसे आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स, ये 2 के मल्टीपल बनेगा, प्लस 2 फंदे आपको एक्स्ट्रा लेने हैं। तो टोटल यहाँ पर हमने 18 फंदे लिए हुए हैं। और देखिए, 2 सलाइयाँ हमने ये बॉर्डर बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ से हम ये डिज़ाइन पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट फंदा स्लिप करके हम पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। रो 1 है, राइट साइड है। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब सेकेंड रो है बैक साइड। अब देखिए, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, ऑप्शनली है, इसे आप बुन भी सकते हैं। और दूसरी सिलाई को भी आप बैक साइड में ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये सेकेंड रो है बैक साइड। अब देखिए, ये थर्ड रो राइट साइड हम आ गए हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ से डिजाइन पैटर्न स्टार्ट करेंगे। अब ये 2 फंदों में डिजाइन बनेगा। तो फर्स्ट फंदा देखिए, यहाँ से हम साइड से 1 एक्स्ट्रा फंदा लेंगे। ये 2 फंदे हैं ना, इसके साइड से यहाँ से बगल से हम देखिए 1 लूप ले लिए, फिर ये 1 फंदा हम बना लिए। हमारे 2 फंदे हो गए। अब ये 2 फंदा है ना, इनका हम 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरीके से, तो हमारे क्या हो गए, 1 साइड का एड स्टिच है। और ये 2 फंदों में हमने 3 फंदा बनाया, 1 2 3। अब यही आपको रिपीट करना है। देखिए, साइड से हमें 1 लूप लेना है, फिर 1 फंदा और एक्स्ट्रा बना लेना है, फिर ये 2 फंदों का 1 कर देना है। फिर देखिए, साइड से 1 लूप लेना है और 1 फंदा ऐसे बना लेना है, और ये 2 फंदों का 1 कर देना है। फिर देखिए, यहाँ साइड से 1 लूप बना लेना है और 1 फंदा बना लेना है, फिर धागा लपेट के, और ये 2 फंदों का 1 कर देना है। फिर देखिए, यहाँ से साइड से 1 ये लूप बना लेना है और 1 फंदा इस तरह लपेट के धागा को बनाएंगे, और ये 2 फंदों का 1 करेंगे। फिर देखिए, यहाँ साइड से 1 लूप बना लेना है और 1 फंदा ऐसे घुमा के धागा में ले लेना है, और ये 2 फंदा का 1 करेंगे। यहाँ से साइड से 1 लूप बना लेना है और ये 1 फंदा ऐसे घुमा के बना लेना है, और ये 2 फंदों का 1 कर देना है। फिर देखिए, साइड से 1 लूप बना लेना है और एक धागा लपेट के फंदा बनाना है, और फिर ये 2 फंदे, ठीक ना, ये 2 फंदों का 1 कर लेना है, और 1 साइड का एड स्टिच है, इसको सीधा बुन देंगे। तो देखिए, हमारा ये डिजाइन पैटर्न का थर्ड रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब ये सेकेंड रो है बैक साइड है। अब देखिए, हम पलट लिए और ये फर्स्ट फंदा को स्लिप करेंगे, ठीक। अब धागा को हम पीछे ले जाएंगे। ये जो बीच वाला फंदा दिख रहा है ना, इसको हम ऐसे देखिए ड्रॉप करके राइट सिलाई में ले लेंगे। इसे बुनना नहीं है। अब ये 2 फंदों का 1 कर देंगे, यही आपको करना है। देखिए, बीच वाले फंदे को हम ड्रॉप करके राइट सिलाई में ले लेंगे और ये 2 फंदों का 1 करेंगे। बीच वाले फंदे को ऐसे ड्रॉप करके हम राइट सिलाई में ले लेंगे और ये 2 फंदों का 1 करेंगे। बीच वाले फंदे को हम ड्रॉप करके ये फिर 2 फंदों का 1 कर देंगे। बीच के फंदे को ड्रॉप करेंगे और ये 2 फंदों का 1 करेंगे, और धागा आगे लाएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये 4 रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए, ये रो 5 है और राइट साइड है। फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी सिलाई को हमें सीधा सीधा बुनना है। देखिए, इस तरीके से हमें पूरी सिलाई को
बहुत ही ईजी तरीके से ये डिज़ाइन बन करके तैयार होता है। देखिए रो 5 कंप्लीट हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये रो 6 है बैक साइड। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और पूरी सिलाई को हमें ऐसे उल्टा उल्टा बुन करके कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड देखिए, ये 1 से लेके 6 रो में ये डिज़ाइन पैटर्न इतना बनकर आया है। यही 1 से लेके 6 रो आप रिपीट करते जाएंगे तो पूरी डिज़ाइन देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से बनकर आएगी। तो इसे आप बनाइए। अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगी हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।